हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी टेक चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने जो है उसमें थंबनेल में पढ़ा होगा कि हर जियो के रिचार्ज कराने पे जो है मतलब आपके 50 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 399 का रिचार्ज है तो आप करेंगे तो 349 रुपये का होगा। तो कुछ भाई लोगों को ये ट्रिक पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल से रिचार्ज करते हैं, जैसे आपका जियो ऐप्स आप ओपन करेंगे, आपका रिचार्ज जो है ख़त्म हो गया, जियो ऐप्स ओपन करने के बाद जो ऑप्शन आता है रिचार्ज नाउ का, तो आप रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है जो 399 जो भी पैक आप करते हैं, 399, 499 जितना भी आप 399, तो 1.5 GB जो पर डे का आता है, 84 दिन तक रहता है। तो उसको अगर आप 399 वाला रिचार्ज अपने मोबाइल से कर रहे हैं, अपना ATM डिटेल डाल के, मतलब अपने अकाउंट से कर रहे हैं आप, तो आपको जो 399 का रिचार्ज है वो 349 का पड़ेगा, यानी कि 50 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको इसलिए मिलेगा कि जियो ऐप्स जब आप ओपन करते हैं और माई ऑफ़र में जाते हैं तो उसमें आपको क्वान्टिटी दिए रहती हैं, तो उसमें आपके जियो ऑफ़र में क्वान्टिटी लिख के कुछ मतलब लिख के आती है, जितनी भी क्वान्टिटी हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, जितनी भी आपकी क्वांटिटी उतने बार आप 50 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दोस्तों वहां से जाकर रिचार्ज करें और डिस्काउंट पाएं रिचार्ज में 50 रुपये का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना था। तो अगर आपका जियो का रिचार्ज ख़त्म हो रहा है तो आप वहां से जाके अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।